Hello, Assalamualaikum. Hope you are fine. And in this video, we will further discuss about the rows and columns. So, why I am in the previous video and in the before the previous video, I have mostly discussed about the rows and columns. So, in my opinion, that in HTML or any other language, अगर आप कोई भी language सीख रहे हैं, HTML सीख रहे हैं, CSS सीख रहे हैं, sorry. अगर आप डॉट फ्लटर सीख रहे हैं, जावा सीख रहे हैं, एंड्रॉयड स्टूडियो में एग्जाम्पल में जब आप जो आई बनाते हैं, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो चीज़ इम्पोर्टेंट होती है वो होती है टेबल्स के रोज एंड कॉलम्स। अगर आपको ये समझ में आ गया पैडिंग किस तरह से क्रिएट करना है, ठीक है, किस तरह से हमें अलाइनमेंट देनी है, रोज एंड कॉलम्स को किस तरह से लेकर चलना है, अगर आपको इस कॉन्सेप्ट का क्लियर हो जाए तो आप किसी भी टेक्स्ट को अपनी मर्जी की अलाइनमेंट देकर, अपनी मर्जी का बैकग्राउंड पिक्चर लगाकर, अपनी मर्जी का बैकग्राउंड वो मतलब उस चीज़ को रिक्वायरमेंट को पूरी करके आप वो चीज़ मतलब के उसमें आप एक्सपर्ट बन सकते हैं। रोज एंड कॉलम्स आप अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि सारी पिक्चर सारा टेक्स्ट जो होता है वो हम रोज और कॉलम्स में लगाते हैं। हर 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 टेक्स्ट के पीछे कोई ना कोई रो या कॉलम होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये आप देख रहे हैं टेक्स्ट, इसके लेफ्ट तरफ एक ये एक रो और कॉलम के दरमियान में है। अगर हमें ये समझ आ जाए रोज और कॉलम का चक्कर जो है, तो हम अपनी मर्जी से इसको कहीं भी पुट कर सकते हैं। इसको हल्का सा राइट लेके जाना है, ऊपर लेके जाना है, इसकी बैकग्राउंड पे जो इमेज होगी वो कितना कितनी लेफ्ट पर होगी, कितनी राइट पर होगी, ठीक है, इसके वर्ड्स के दरमियान में कितना एज नंबर्स के दरमियान कितना फ़र्क होना चाहिए, इसका बॉटम जो है इमेज में कितना है। तो टेबल्स जो है ये बहुत ज़्यादा मानी रखते हैं इवन के हर तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए, ठीक है। तो अगर आपने देखा होगा टिक टैक टू गेम हम सीखते हैं, टिक टैक टू गेम में हमारे पास क्या होते हैं, अरेज को हम अरेज से खेल रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास रोज होते हैं, कॉलम्स होते हैं, ठीक है। हमें पता है कि फर्स्ट अरेज जीरो, कॉलम जीरो, फर्स्ट जीरो, फर्स्ट जीरो, जीरो जीरो रो जीरो कॉलम। तो रोज और कॉलम इन चीज़ों के बारे में अगर अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो हमारे लिए इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। अच्छा, अब हमने करना कुछ इस तरह से है कि अच्छा, अब कुछ इस तरह से ये करते हैं ना कि थोड़ा सा अगर मैं इसको खोल दे रहा हूँ, ठीक है, ये हमारी वेबसाइट थी। अच्छा, अब हमने ये करना है कि थोड़ा सा और चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। तो जो चीज़ों को हमें एक्सप्लोर करना है उसका रोड मैप मैं इधर ही लिख लेता हूँ, ठीक है, जो टेबल और रोड और कॉलम लिख रहे हैं। तो सबसे पहले हमें कैप्शंस को देखना है, कैप्शंस क्या होते हैं, ठीक है। तो कैप्शंस को देखने के लिए यहाँ पर हम जाएंगे, टेबल है ना हमारे पास, इस टेबल के कैप्शन को हमें चेंज करना है। तो हम या फिर इसी के आगे हम लिख सकते हैं, टैग बना सकते हैं कैप्शन का। कैप्शन में हम कुछ भी लिखें, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी, कंट्रोल सी किया, अब होगा क्या, ओके, अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और अगर मैं इसको यहाँ पर लेता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास, तभी भी फर्क नहीं आया, मतलब कि ये टेबल रो के अंदर ही है इसका मतलब, ठीक है। तो कैप्शंस काम क्या करते हैं आपके, बताते हैं कि ये चीज़ क्या कर रही है, सब मकसद क्या है, ठीक है। इस टेबल के अंदर भी हम कैप्शन डाल सकते हैं, उस टेबल के बाहर भी हम कैप्शन डाल सकते हैं। अच्छा, कैप्शन करता क्या है, कैप्शन का काम ये होता है कि वो टेबल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जो कि मैं हमने पहले जिस तरह से यहाँ पर कैप्शन किया था, अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर इस टेबल को रिप्रेजेंट करना है, तो टेबल किस चीज़ का है बेसिकली, ये हमारे पास जो टेबल है वो है पर्सनल इंफॉर्मेशन का, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पर्सनल इंफॉर्मेशन। अब पर्सनल इंफॉर्मेशन हमारे पास सेंटर पे आ रहा है, तो हम चाहते हैं इसको सेंटर में आए, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्लाइड क्रिएट कर लेते हैं, वहाँ पर ये डाल देंगे कैप्शन, ठीक है, कैप्शन के नाम से हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं और मार्जिन दे देते हैं स्टार्ट का। स्टार्ट का मार्जिन है हमारे पास यहाँ पर इनिशियल दे देते हैं, मेरे ख्याल है अगर हम
पोटेंशियल लेना चाहें तो दे सकते हैं या नहीं दे सकते। उसके बाद बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। अच्छा अब ये करना है, इसको स्टार्टिंग में लिखे हुए हैं। अच्छा अब इस इंफॉर्मेशन की जो है मेरे पास, इसको मैंने लेफ्ट पर लेकर आना है, तो उसके लिए मैंने टेक्स्ट अलाइनमेंट का यूज़ किया है, कलर बैकग्राउंड का ये दे दिया है। अब मैं इसको बोल्ड करना चाहता हूँ, तो मैं फॉन्ट वेट करके हम इसको दे दूंगा, बोल्ड कर दूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, अब इसका साइज थोड़ा बड़ा करना चाहता हूँ। टेक्स्ट साइज एडजस्ट वो मैं करता हूँ 10 पिक्सल, तो मेरा ख्याल छोटा हो जाएगा ये शायद, या उसको 100 पिक्सल करूँगा, आई डोंट नो क्या फर्क पड़ेगा। नहीं, मैंने करना है टेक्स्ट साइज, सिर्फ टेक्स्ट साइज, या टेक्स्ट को मैंने बड़ा छोटा करना है। तो अच्छा, टेक्स्ट के साइज के लिए हमने क्या किया है, फॉन्ट साइज क्या है, फॉन्ट साइज 15 पीएस कर दिया है, तो हमारे पास 18 पीएस कर दिया, तो हमारे पास इस तरह की इंफॉर्मेशन आ गई। अब हम, मैं ये चाहता हूँ कि इसके बैकग्राउंड पर या फिर कोई ऐसा एक, आई मीन के मैं चाहता हूँ कि इसके बैकग्राउंड पे एक सर्कल हो। ठीक है, मतलब सर्कल ही तो राउंड शेप हो, और उसका कलर कोई भी एक खास स्पेसिफिक कलर हो उसका, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा। अगर हमने ग्रुप्स बनाने हैं तो उसके लिए मैम क्या करेंगे, ग्रुप्स के लिए हम ग्रुप्स के लिए हम ये करेंगे कि हमारे पास जो हमने कैप्शंस क्रिएट किए हैं, कैप्शन फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ क्रिएट किए हैं, कैप्शंस के आगे हम एक ग्रुप का टैग, नहीं है मेरा ख्याल है, लेकिन हम थ्रेड का अगर हम यूज करें, थ्रेड टी हेड काम करता है ग्रुपिंग के लिए। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से क्लोज करूँगा, और हमने यहाँ पर क्लोज करना है इधर। ठीक है, तो मैं स्पेस और टैब को प्रेस करूंगा, या सिर्फ टैब को प्रेस करूंगा तो ये आगे चला जाएगा, और हम यहाँ से थोड़ा सा फॉर्मेट बना देते हैं, थोड़ा सा ये कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ। अच्छा, ये क्या करता है काम, ग्रुपिंग करने के लिए हमें इस्तेमाल किया जाता है टी हेड को, हम यूज करते हैं ये वाला जो टैग है वो टी हेड, इसलिए हम यूज करते हैं। तो अगर मैंने बेसिकली, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, तो इधर इधर टी हेड यहाँ पर डाला, तो अगर मैं टी आर, इस टी आर के अंदर अगर एक इधर टी हेड डाला है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस टी आर के अंदर एक टी हेड डालता हूँ, टी हेड, ठीक है, और अगर यहाँ कुछ लिख लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो टी हेड में ये क्या करेगा, नहीं इस तरह से नहीं करते हम, क्लोज करने के लिए इसको हम यहाँ से क्लोज करेंगे, टी हेड को कंट्रोल एस किया, रीलोड किया। ठीक है, तो ग्रुपिंग के लिए बेसिकली हम यूज करते हैं टी हेड को। ठीक है,
अब एक वो चीज़ है कि टी हेड आता किसके अंदर है। हमने जो जो सेल बनाया है, ये सेल का और टी डी सेल को बोलते हैं, उसके अंदर आएगा या उसके बाहर आएगा? अच्छा, अब बेसिकली ये सिर्फ हमारे पास जो ये वाली जो फ्रंट लाइन है, ये हेडिंग जिधर हमने डाला है, उसमें हम सिर्फ टी हेड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? सिर्फ हम उस वहाँ पर यूज़ करेंगे। बाकी जो हमारे पास सेल है, मतलब कि अगर एक हेड है, नेम है, ठीक है, उस नेम के लिए हम यूज़ कर सकते हैं टी हेड, लेकिन उसके नीचे जो सेल है अब्दुलरहमान, उसको लिए हम टी हेड नहीं यूज़ करेंगे। उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? टी ग्रुप का यूज़ करेंगे, हमारी ग्रुप्स बनाएंगे उसका, ठीक है? तो टी ग्रुप के नाम से होगा, या फिर टी बॉडी को हम यूज़ करेंगे, टी हेड नहीं है हमारे पास, ठीक है? तो टी बॉडी को यूज़ कर दिया हमने बंद करने के लिए, हम इसको यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर बंद कर देंगे, ठीक है? तो बॉडी के अंदर ये वाला टैग आता है, जिसके अंदर जो भी आएगा, तो जो हमारे सेल होंगे उसके अंदर बॉडी के अंदर एक टी बॉडी वाला टैग आ जाएगा, ठीक है? टी हेड हमारे लिए रिप्रेजेंट करता है, टी हेड जो है वो हमारे हमें रिप्रेजेंट करता है ग्रुपिंग करने के लिए, और टी बॉडी को हम यूज़ करते हैं ग्रुपिंग करने के लिए सेल्स के अंदर, ठीक है? यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब एक और टेबल बनाते हैं, उस टेबल में हम क्या लिखें? मेरे जहन में आ तो कुछ भी नहीं रहा, लेकिन हम फॉर एग्जाम्पल अपनी गिट हब की प्रोफाइल के बारे में लिख लेते हैं उस टेबल के अंदर, ठीक है? हम एक काम भी करते हैं, एडिट इसी को कॉपी करते हैं, इसी टेबल को कॉपी करते हैं। टेबल को कॉपी करने के बाद उसको डाउन करते हैं, दोबारा कंट्रोल एस करते हैं, दोबारा ये चीज़ नीचे आ गई है, ठीक है? तो इसका नाम चेंज कर देंगे, इसका नाम हम रख देते हैं गिटहब, गिटहब, ठीक है? मैं दोबारा इसको रिफ्रेश करूँगा, गिटहब के नाम से आ गया, ठीक है? नेम हम क्या रखेंगे बेसिकली? अब हमने रखना है जो हमारे प्रोजेक्ट नेम होगा, ठीक है? तो सीरियल नंबर पहले रख लेते हैं, सीरियल नंबर एस, सीरियल नंबर, ठीक है? ये सीरियल नंबर आ गया। उसके बाद हमारे पास आएगा प्रोजेक्ट नेम, या प्रोजेक्ट रिपोजिटरीज का नाम कर सकते हैं, प्रोजेक्ट नेम आ जाएगा, प्रोजेक्ट कौन सा किया है हमने, और रिपोजिटरी का लिंक दे देंगे साथ में, रिपोजिटरी लिंक, ठीक है? रिपोजिटरी का लिंक आ जाएगा, प्रोजेक्ट आ जाएगा, सीरियल नंबर, प्रोजेक्ट नेम, ये प्रोजेक्ट नेम, ठीक है? प्रोजेक्ट नेम आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद रिपोजिटरी हमारे पास आ जाएगी, रिपोजिटरी लिंक आ जाएगा, ठीक है? गिटहब लिंक आ जाएगा, गिटहब रिपोजिटरी लिंक हम कह सकते हैं, या चलो रिपोजिटरी लिंक। उसके बाद हम क्या होता है बेसिकली हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से ओपन करता हूँ अपना गिटहब, तो ये बेसिकली व्यूअर ओपन है। मैं अगर होम पर जाता हूँ, अपने होम पर, ठीक है? तो इसमें हमारे पास क्या क्या ओपन है? रिपोजिटरीज हैं, ठीक है? हमने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, डेट एंड टाइम, प्रोजेक्ट नेम आ गया, रिपोजिटरी लिंक आ गया, और बस यही है मेरे पास, ठीक है? तो मेरा ख्याल है बस इतना काफ़ी है। बाकी यहाँ पर अभी हम कुछ भी लिखते हैं, खाली है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है? ठीक है, ये हमारे पास इतनी चीज़ें हैं, बाकी दो को हम एज इट इज खाली रखते हैं, इन दो को भी हम हटा देते हैं, ठीक है? अच्छा, अब ये करना है कि फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए मैं जो हमने टी बॉडी और टेबल क्रिएट किया है, इस रो को हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करने के बाद नीचे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है? कंट्रोल एस करके मैं दोबारा इसको लेकर आता हूँ, तो कुछ इस तरह का बन गया है, ठीक है? तो अब ये करना है कि अब क्या करना है बेसिकली, अब हम क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें,
गिटहब आ गया, सीरियल नंबर आ गया, प्रोजेक्ट नेम आ गया, रिपोजिटरी लिंक आ गया, ठीक है, दो तीन प्रोजेक्ट का नाम दे देंगे, ठीक, फॉर एग्जाम्पल 01, ठीक है, 02, 03। वैसे हमारे पास कितने प्रोजेक्ट्स हैं अभी इस टाइम देखें तो, शो मोर करें, 1 2 3 4 5, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। 25 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि हमने अभी गिटहब में डाले हैं, तो 25 तक इसको लेके चलेंगे। ये कॉपी करते हैं हम इसको, पेस्ट 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 पेस्ट, ठीक है, तो अभी इतना नहीं हुआ, 25 तक करना है। पेस्ट 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 पेस्ट, समोसे का पेस्ट, ठीक है, तो अभी देखते हैं, लेट्स सी कितना हो गया है। इसमें ऑल्ट वाला चक्कर है, ऑल्ट के लिए हम अपडेट कर सके नहीं कर सकते, तो अब हम 3 और 3 से आगे 4, 3 से आगे 4, 4 से आगे 5, 5 से आगे 6, 6 से आगे 7, 7 से आगे 8, 8 से आगे 9, 9 से आगे 10, 10 से आगे 11, 11 से आगे 12, 13, 14, 15 के पास 16, 17, 18, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 20 का कर दिया है, 21, 22, 23, 24, 24 के पति कितने थे? मेरा ख्याल है शायद 24 तक थे, 20, 21, 22, 23, 24, 24 तक करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो ये हमारे पास 24 तक आ गए हैं पूरे के पूरे। अब ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है, ठीक है, तो हम एक काम करेंगे, इसके नीचे एक एरो सा बटन डाल देंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो ये नीचे स्क्रॉल डाउन होगा, वरना हमें स्मॉल थोड़ा सा ही हमें शो होगा। तो अभी तक के लिए इतना ही करते हैं, आगे को हम आगे अपडेट करते रहेंगे साथ साथ, ठीक है, तो ये भी ठीक है टेबल्स को क्रिएट करने का, वरना हमारे पास दूसरा एक और तरीका भी है टेबल्स को क्रिएट करने का, ठीक है, उसके जरिए भी हम उसे कर सकते हैं। तो अभी देख, अभी तक के लिए प्रोजेक्ट के नाम जो भी हैं वो हम यहाँ पर ऐड करते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं आगे क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल ये है मेरे पास बैकड्रॉप, नहीं सिर्फ इसका नाम ये है, उसको मैं कॉपी करता हूँ और मैं 1 पोजीशन पर जाता हूँ, जिधर मेरा पहला पड़ा हुआ है, ये मेरा ख्याल है प्रोजेक्ट का नेम हो गया। और इसका लिंक को मैं किस तरह से कॉपी करूँ, इसको लिंक को शायद कॉपी करके मैं इस तरह प्रोवाइड नहीं कर सकता, कॉपी लिंक एड्रेस, लिंक के लिए मैं यहाँ पर शायद डालूंगा लिंक, लिंक, और ये मेरा लिंक आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कंट्रोल एस करता हूँ, देखता हूँ कि कुछ फर्क पड़ा, कुछ आया ही नहीं यहाँ पर, कुछ लिख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल पैक कॉपी, इस लिंक पर किस तरह से क्लिक करना है उसको हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए मैं ये करता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल
मैंने ये लिंक दे दिया, लेकिन लिंक डालना है कि क्लिक हो तो वो लिंक ओपन हो जाए, तो उसके लिए मेरा ख्याल है ए का एक होता है, वो हम डालते हैं, उसके अंदर हम डालते हैं सारी सारी चीज़ें। तो मैं यहाँ पर डालूँगा करता हूँ कि सिंपल ए लिंक को पेस्ट किया, ठीक है, कॉपी किया, कहीं आया भी लिंक, अच्छा मेरी यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है। टी बॉडी जो हम यूज़ करेंगे वो हम टी आर से पहले यूज़ करेंगे, ठीक है, तो टी आर से बाहर इसको हमने लिखना है, ना कि इसके अंदर लिखना है, ठीक है, तो मैं इसको ठीक कर दिया है, इसको इसको मैं यहाँ से आगे कर लेता हूँ, इसको यहाँ से पीछे ले आता हूँ, ठीक है, दोबारा कंट्रोल एस करता हूँ, तो हाँ ये कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। तो टी बॉडी जो है हमारे पास, मेरा ख्याल है ये सारा चेंज करना पड़ेगा या सिर्फ स्पेसिफिक एरिया को, टी बॉडी बाहर होगा, टी आर अंदर होगा, नहीं, टी बॉडी बाहर होती है हमेशा, टी आर इसके अंदर होगा, ठीक है, तो थोड़ा दिक्कत होगा, कर लेते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। इसको यहाँ से करते हैं कट, ऐड करते हैं बॉडी, यहाँ से किया कट, यहाँ पर किया ऐड, यहाँ से किया कट, यहाँ पर किया ऐड, यहाँ से किया कट, यहाँ पर किया ऐड, यहाँ से कट किया, यहाँ पर ऐड किया, यहाँ से कट किया और यहाँ पर ऐड किया, फिर यहाँ से कट किया, ऐड किया, कट किया, ये करते ही हुआ है, इसका मकसद ये होता है कि हमने बॉडी हमेशा बाहर होगी और ये बाहर पीछे की तरफ दिखी, ठीक है, तो बॉडी हमेशा बाहर की तरफ होती है, ठीक है, ये टैग अंदर होता है, मतलब इस तरह का होता है, मैं दिखाता हूँ इस तरह होता है और ये चीज़ किस तरह होती है, ठीक है, इसको अगर मैं इस तरह करूँ, ये इस तरह होगा, फिर ये इस तरह से होगा, समझ रहे हैं, ठीक है, और उसको बाहर करना है, ठीक है, तो इस टैग को उठाया, बाहर कर दिया, अभी ये थोड़ा अंदर देख रहा है क्योंकि उसको अंदर नहीं होना चाहिए, बाहर ही होना चाहिए,
यहाँ से कट किया, ऐड कर दिया। जैसा कर सकते हैं ये शिफ्ट प्रेस करें कंट्रोल, और क्या बात है। तो ये काम करते हैं जितने भी है ना, 20 मिनट्स। सही है, ठीक है, बाय कर दिया। इसी तरह इसको पकड़ा, इसको पकड़ा, इसको पकड़ा, इसको पकड़ा। ये इसको हमने बाय करना है, इसको भी फायर करना है और इसको भी फायर करना है, ठीक है। कंट्रोल एक्स, अच्छा अब क्या करूँ मैं। इसको बाहर कर दिया, ठीक है, इसको बाहर कर दिया, इसको बाहर कर दिया। डबल टाइम लग रहा है यार इसमें, तेरा इसको बाहर कर दिया, ठीक है। अब दोबारा इसको सेट करो। अच्छा एक चीज़ रह गई है, इस लिंक को देखने से पहले मैं जाता हूँ फुटर के बारे में बताता हूँ कि फुटर होता क्या है। ये तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, फुटर होता क्या है। तो फुटर के बारे में सबसे आखिर में जब आप टेबल क्रिएट कर लेते हैं, उसके आखिर में ना टेबल के अंदर आप समझ लें, या फिर टेबल के बाहर, टेबल के अंदर आपने एक टैग ओपन करना है, फुटर लिखें या टी फुटर के नाम से होगा, टी फुटर, वो टेबल फुटर होता है बेसिकली, ठीक है। उसको आपने क्लोज किस तरह से करना है, क्लोज किस तरह से टी फुटर, हाँ ये इस तरह से आप क्लोज होगा। लेकिन थोड़ा सा अगर इस तरह से करें, टी एफ फुट, टी ओ टी फुट, हाँ टी फुट के नाम से बेसिकली, ठीक है। बेसिकली अब हमने ये करना है कि टी फुट में हम एक रो होगा हमारे पास, टी आर क्यों नहीं शो कर रहा मुझे, टी आर के अंदर टी डी, मतलब टी डी का मतलब है सेल, सेल के बारे में, ठीक है। अच्छा सेल के आगे अगर इस टैग को ओपन करने के बाद हमने नहीं करना बेसिकली, इस जैसे टैग हमारा ओपन क्लोज हो रहा है ना, ठीक है, क्लोज नहीं मतलब ओपन हो, जो टैग ओपन हो रहा है, इस टैग के ओपन को क्लोजिंग के बाद हमने यहाँ पर कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे, तो हमारे पास डिफरेंट क्लास टाइटल एब्रीविएशन कलर बैकग्राउंड कलर ये बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो कॉलन स्पैन के नाम से एक होगा, ठीक है, आप और इसको आप पॉइंट दे दें 5, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर करना चाहें टी आर के अंदर, तो कॉलम स्पैन यहाँ पर भी आपके पास यहाँ पर नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर चेक करें तो यहाँ पर भी आपको नहीं मिलेगा, ये सिर्फ आपको टी डी मतलब सेल के अंदर का आपको मिलेगा, ठीक है। और इसके आगे आप जो भी लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिखते हैं टेबल फुटर, ठीक है, टेबल फुट या कोई भी, तो वो आपको यहाँ पर प्रीव्यू होगा सबसे आखिर में, फॉर एग्जाम्पल यहाँ के, तो यहाँ पर आपको प्रीव्यू हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर आप कौन सा ऐसा डाटा लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैं बताता हूँ कि यहाँ पर जो जितना मैंने डाटा लिखा है ना, वो सारा गिटहब से रिलेटेड है, ठीक है। हाँ ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर लिख देता हूँ तो थीट इज ऑल अबाउट गिटहब, ठीक है। अब ये 5 का मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ, ठीक है, तो क्या हमें यहाँ बस हमें यहाँ पर शो करेगा। अगर मैं यहाँ पर 0 कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल,
आप ट्रिफल्स चेक कीजिएगा, मैं अगर यहाँ पर करता हूँ 100, ठीक है, तो क्या होगा? आपने डिफरेंट नोट किया होगा, अगर आपने डिफरेंट नोट किया है तो आप मुझे कॉमेंट्स में बताएं, ठीक है। अगर नहीं नोट किया तो एक डिफरेंट जो कि मुझे ये लगता है कि अगर मैं यहाँ पर कॉल स्पैन का मतलब ये होता है कि जो कि मुझे लगता है शायद मुझे एक वो होगा जो कि मेरा आइडिया होगा, एक वो होगा जो आपका आइडिया होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर 5 करता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, अब एक चीज़ आपने नोट करनी है कि 5 का मतलब कॉलन स्पैन है, CUL कॉलन स्पैन। इसका मतलब ये कि जितने आपके पास कॉलम्स हैं ना, उतने ही ये क्या कहते हैं, ये स्पैन क्रिएट करेगा, ठीक है। जितने आपके पास कॉलम्स हैं उतना उस डाटा तक ये उस डाटा तक क्या कहते हैं, आप इस वजह उस कॉलम के स्पैन को एडजस्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर कॉलम 1, 2, 3 है, तो यहाँ पर अगर मैं सिर्फ लिखूंगा 3, ठीक है, तो ये इसका मतलब कि ये सिर्फ 3 कॉलम्स के लिए स्पैन बनेगा, ठीक है ना। तो मैं इससे ज़्यादा कर नहीं सकता, ठीक है, मेरे पास ये 3 कॉलम्स के लिए, 3 कॉलम मतलब कि एक कॉलम भी, दूसरा कॉलम भी, तीसरा कॉलम भी। अगर इसकी एग्जाम्पल लें टेबल फुटर की, तो एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ कि अगर आपके पास एक और टेबल है जो कि मैंने ऊपर बनाया है, इस टेबल को हमारे पास कितने कॉलम है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 कॉलम है। तो हम यहाँ पर जो है इसका जो जो टेबल फुटर है, ठीक है, वो हम कितना दे सकते हैं, वो हम 5 दे सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये होगा कि ये सिर्फ 5 कॉलम्स के लिए ही बना है, सिर्फ 5 कॉलम्स के लिए होगा, ठीक है, इससे ज़्यादा का नहीं होगा। तो कॉलम स्पैन का मतलब ये होता है कि फर्क पर कितने हैं, 5 है, तो हम उसको बता देंगे यार ये 5 कॉलम स्पैन के लिए, ठीक है। अभी कॉलम 5 कॉलम है तो ये बता देगा 5 कॉलम स्पैन के लिए देना, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 50 करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये ज़्यादा होगा, तो मुझे नहीं पता क्या फ़र्क आएगा, लेकिन अगर 5 कॉलम है हमारे पास तो हम कॉलम स्पैन से उतना ही रखेंगे, ठीक है। अब कॉलम स्पैन के अंदर हम यहाँ जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं कुछ लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, इन्फॉर्मेशन दिस टेबल या दिस इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू माई सेल्फ फॉर एग्जाम्पल, ये वाला कॉलम स्पैन आ गया, ठीक है, रिलेटेड टू माई सेल्फ, ठीक है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन या कुछ भी आप उस चीज़ में आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये लेकिन टेबल के अंदर का ही होता है पार्ट, टेबल के अंदर का पार्ट होता है, ठीक है। आप टेबल फुटर में आप कुछ भी ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सीरियल 1 है, सीरियल 1 को सीरियल 1 के अंदर अगर मैं टेबल फुटर बनाऊँ, ठीक है, मेरे पास सीरियल 1 ये है, ठीक है, सीरियल 1 के अंदर मैं यहाँ पर टेबल फुटर क्रिएट करता हूँ, टेबल फुटर और TR टैग, TR TD के नाम से ऐड कर दिया, यहाँ पर कॉलम फुटर के नाम से, कॉलम स्पैन के नाम से ऐड करता हूँ। दे फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ बेस्ट प्रोजेक्ट, अच्छा कंट्रोल एस किया और सॉरी 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 गलत कर दिया, कॉलम स्पैन में ये नहीं आएगा, कॉलम स्पैन के अंदर आएगा नंबर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कितना कितने कॉलम, 3 है, ये 3 आ गया, ठीक है, इधर मैं ये लिखूंगा, ठीक है, और इसको मैं क्लोज करता हूँ कुछ इस तरह से, चलो ठीक है, सही है। तो ये इसने कहाँ पर दे दिया, सबसे क्लास में दे दिया मुझे, अच्छा बेसिकली फुटर के लिए ही वो काम करता है, तो ये फुटर के लिए हुई, ठीक है, चलो मैं इसमें डाल देता हूँ। फुटर मतलब कि वो सबसे आखिरी उस एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, अगर आपको कुछ चीज़ लिखनी है, ऐड करनी है, तो आप कर सकते हैं उस चीज़ में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ChatGPT को बोलता हूँ कि मुझे इससे अच्छा सा कोई कॉन्टेक्स्ट मुझे दिखा दे, अच्छा कुछ मैंने ChatGPT से लिखवाया है, तो मैं यहाँ पर उस चीज़ को ऐड कर देता हूँ अपने फुटर के अंदर। मेरा फुटर किधर है, मेरा फुटर किधर है, ये मेरा फुटर,
मैं इसको यहाँ पर ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो कंट्रोल सी करता हूँ, तो ये एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। तो कुछ इस तरह का आ जाएगा डाटा। कुछ और भी है मेरे पास, लेकिन मुझे पता नहीं कि नेक्स्ट लाइन पे जाना किस तरह से है। तो मेरा जो ख्याल है, मैं यहाँ पर एक और 2D क्रिएट कर लूँ और यहाँ पर उसको एलिमेंट्स डाल दूँ। तो ये तो साइड में चला गया, लेकिन मुझे एज अ कॉमन स्पैन चाहिए। कॉमन स्पैन 5 करता हूँ, पेट्रोल सी करता हूँ, ड्रॉबैक्स करता हूँ, नहीं मुझे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। तो एक काम करते हैं, इसी के अंदर हम सी ये एंड डाल देते हैं नेक्स्ट लाइन के लिए। मुझे नहीं पता नेक्स्ट लाइन के लिए क्या यूज करता है। कंट्रोल सी किया, इसके अंदर नेक्स्ट लाइन के लिए अगर मुझे जाना है तो मैं क्या यूज करूँ, कंट्रोल एन करूँ या फिर मैं क्या करूँ। हम बाहर का टैग भी यूज कर सकते हैं, बी आर। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पर पैराग्राफ का दिया है, बी फॉर पैराग्राफ, और उस पैराग्राफ में यहाँ पर एड करता हूँ फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर, और मैं कंट्रोल सी करता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, बाहर चलाता हूँ, ठीक है। अभी पैराग्राफ स्टार्ट हो गया, और पैराग्राफ मैं को टैग दे देता हूँ, क्लोज करता हूँ, और यहाँ पर ठीक है। अभी पैराग्राफ 1 है, पैराग्राफ 2 है, मुझे शायद पता नहीं है। तो पैराग्राफ 1 का नाम दे सकता हूँ या नहीं दे सकता। चीज़ें डाली हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं डालना कंटेंट, ठीक है। बाकी सारा कंटेंट खुद लिखना है, खुद हाथों से लिखना है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें मैं खुद लिखूंगा, और ताकि वो चीज़ें सीधा सामने। और अब ऐसा करना है कि इसको थोड़ा चेंज करना है, ये सारा का सारा इसको चेंज करेंगे, ठीक है। अब अगली वीडियो में हम लिंक डालेंगे, सारा का सारा इधर लिंक डालेंगे, सारे लिंक्स वगैरह डालेंगे, और फिर हम आगे इसको लेके चलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू गाइस अंडरस्टैंड दिस सीरीज ऑफ माय वीडियोस एंड दिस प्रोजेक्ट ऑफ रिलेटेड टू HTML, CSS एंड ऑल्सो इसको हम आगे लेके चलेंगे। jQuery में भी लेके जाएंगे, बूटस्ट्रैप को यूज़ करेंगे, CSS वो भी करेंगे, और दो तीन प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ कोशिश करेंगे कि वॉलंटियर मैनेजमेंट सिस्टम एक वो वाला काम करें, वो वाला प्रोजेक्ट बनाए, ठीक है। लेकिन अभी इसको कंप्लीट करेंगे एज ए सिंपल देखें लेके चलेंगे। और WSQTech, सॉरी WSQTech तो यूट्यूब चैनल है, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा हेल्प देता हूँ ChatGPT। तो आप लोग ChatGPT फॉर द प्रोग्राम दे रही है, समझ में आता है नेक्स्ट लाइन पर कैसे जाऊँ। तो उसने मुझे बताया कि पैराग्राफ यूज करो, उसके बाद इसने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई। आप ChatGPT को यूज़ करके खुद से भी आप वो सारी चीज़ें हेल्प ले सकते हो। और जो उनके मैं प्रेफर करता हूँ वो है WSQTech। इनके हमने टैग्स वगैरह यूज़ करें, फॉर टेबल का हमने यूज़ किया है TH, किसके लिए होता है हेडर सेल के लिए होता है, TR रो टेबल के लिए यूज़ होता है, TD सेल को डिफाइन करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। कैप्शंस किसके लिए होता है, कैप्शंस बनाने के लिए, उस चीज़ को कैप्शन करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह कॉलन ग्रुप, कॉलम CUL कॉलम ग्रुप किसके लिए होता है, स्पेसिफाइड ग्रुप और मोर देन वन कॉलम इन अ टेबल ऑफ फॉर्मेटिंग, ठीक है। जितने हमारे पास एक से ज़्यादा टेबल तो कॉलम ग्रुप का यूज़ करते हैं, ठीक है। जो कि हमने शायद यूज़ किया है अपना ख्याल है, एक बार देखें तो हमने कॉलम ग्रुप का यूज़ किया है या नहीं किया। अगर हम यहाँ पर देखें कॉलम, हमने जो चीज़ यूज़ की है वो यूज़ किया है कैप्शंस का यूज़ किया है, ठीक है। फिर उसके बाद टी हेड का यूज़ किया है, ठीक है, टी बॉडी का यूज़ किया है, लेकिन मेरा ठीक ख्याल है हमने टी कॉलन इसको भी यूज़ करें, ठीक है। कॉलन किस काम के लिए होता है, इसको भी हम यूज़ करें, कॉलम प्रॉपर्टीज किस काम के लिए होती है,
फॉरन ग्रुप को शायद ने भी ये भी नहीं यूज़ किया, फॉरन ग्रुप भी यूज़ किया, टी हेड को यूज़ किया है, टी बॉडी को यूज़ किया है, टी फुटर को यूज़ किया है जो कि हमारे पास ग्रुप करता है फुटर कंटेंट को टेबल में, ठीक है। और बहुत ज़्यादा मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छी वेबसाइट है स्क्रिप्ट है बेसिक्स कवर करने के लिए, लेकिन सिर्फ यहाँ तक नहीं है, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, वीडियोस, कैनवा, कलर्स, ब्राउजिंग सपोर्ट, ग्लोबल एट्रीब्यूट्स, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। इसके बाद हम जो मेन चीज़ है हम कोशिश करें अभी मेन चीज़ों पर आए, ज़्यादा टाइम इधर ना वेस्ट करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।